के चाहने वालों का जमावड़ा देखने को मिला है। टिकट की चाह रखने वाले हर तरफ की ओर जोर आमजाइश कर रहे हैं, कुछ बगावती तेवर भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की हलचल तेज हो चली है। आज जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल अपर्णा के टिकट और बीजेपी में जाने की खबरों का किया तो अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है। सपा कार्यालय में जमावड़ा टिकट की चाह रखने वाले जमावड़ा देखने को मिला है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लगातार तीसरे दिन प्रेस वार्ता किए। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। हालांकि मीडिया में कई दिनों से खबरें आ रही थी कि अपर्णा यादव बीजेपी में जा रही हैं। वहीं आज किसानों के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता किया, जो लखीमपुर खीरी से आए थे, तेजेंद्र सिंह थे जो घायल हुए थे उस घटना में। किसानों को अपने पक्ष में करने का ये प्रयास है, जिसमें तीन किसान उनके साथ मंच पर मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है, जनता के साथ वादा खिलाफी किया गया है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है और साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण भी बढ़ा है। राधा मोहन दास को लेकर भी उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अपमान किया गया है तो राधा मोहन दास का किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में वो एक किनारे खड़े हुए थे। कैमरामैन शिवम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। में टिकटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। 38 सीटें आरएलडी के साथ घोषित की जा चुकी हैं। तमाम नेता यहां पर आए हैं, ये सब युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम में क्या लहर है, क्या सोच रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर लोगों की क्या राय है। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये बीजेपी को उस निम्नतम स्कोर की तरफ ले जा रहा है कि शायद बीजेपी की ज्ञान में भी नहीं है बात। बीजेपी पूरे वेस्ट यूपी से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सरकार जो आएगी किसानी को, ये जो चुनाव होने वाला है ये मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा। इसमें लोग, जब भी बीजेपी के लोग गांव में वोट मांगने जाएंगे उनसे शिक्षा के नाम पे, किसानों की जो 700 लोगों ने शहादत दी है उनके नाम पे वोट डलेगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं मतलब दलितों के घर आजकल ड्रामा कर रहे हैं खाना खाने का। ऐसा कुछ नहीं है, हर वर्ग, हर धर्म, समाज, पंथ गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। सारे लोग नेता यहां पर आए हैं, कार्यकर्ता भी हैं। इनका कहना है कि कोई बगावत पार्टी में नहीं है, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ लोग खड़े होंगे। कैमरामैन सीएम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ।